कर रहे हैं इस टाइम कि सेमीफाइनल में आके इंडिया बाहर। मम्मा ने हिट की जय तय फेर दी है। मम्मा नाल साग गुम हो जाने मारे। तो गाइस ऐसे बहुत ही मतलब परेशान वाले मूड में, बहुत ही परेशान वाले मूड में, क्योंकि यार बता सही है यार गाइस, बात ये हुई है कि आज है इंडिया और इंग्लैंड का सेमी फिनाले, है ना गाइस। इंग्लैंड के स्कोर हो चुकी है 91, है ना, और 0 आउट। तो अब इंडिया से नहीं आउट हो तो उनका गुस्सा तो मेरे पे क्यों निकाल रहा है, सही है तू पीछे जा। और गाइस इंडिया ने बैटिंग कर ली यार, इंडिया की इस टाइम स्कोर है 170 और 170 का टारगेट मिला इंग्लैंड को, लेकिन इंग्लैंड की मतलब बहुत ही बेहतरीन स्कोर बन रही है 91 स्कोर एंड 0 आउट, और इंडिया से आउट नहीं हो रहा। सिर्फ फिर किया तो डिप्रेशन में क्यों चल के गाइस, सही है क्या हो गया था? नहीं यार ये गाइस ये गेम है यार, आज कोई जीतेगा कल कोई जीतेगा, आज इंग्लैंड का दिन है तो हम क्या कर सकते हैं गाइस। चुप कर जा तू, कुछ नहीं होता ना कर, पीछे जा तू यार। जब का मैच स्टार्ट हुआ ना गाइस, ये ऐसे ही बैठा हुआ है, किसी से कोई बात नहीं कर रहा। देखो अब मेरा मन कह रहा है कि इंडिया जीतेगी। ना कर इसको, ना कर निको सही है। अच्छा चल रहा मैच, मैं जैसे मैच पूछ रही हूँ इतने जनों के सामने, मेरी बेइज्जती हो रही है। अम्मा आप कुछ नहीं बोल रही, तू हर कितने वैसे कर रही है, दे दे उन 2 मिनट। लेकिन बहुत दे रहे So guys, अभी संयम ने प्रसाद खा लिया है काशी का, तो शायद इंडिया जीत जाए, है ना? जीतेगा 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 इंडिया। हाँ मना करो यार, गाइस ने यार सुन नहीं पा रहा, इसलिए मैंने ना बाहर आके बोल रही हूँ गाइस। मतलब इंडिया ने सारी मतलब सारे राउंड इतने अच्छे खेले हैं, बट लास्ट में आके पता नहीं इंडिया को क्या हो गया सेमीफिनाले में। मतलब यार चलो कोई बात नहीं, गेम ही है, पर यहाँ तक पहुंचे सेमीफिनाले तक, कोई 4 टीम्स पहुंचे और उसमें इंडिया है, तो मतलब यही गाइस हमारे लिए बहुत ही प्राउड वाली बात है। कोई बात नहीं, गेम में हार जीत गाइस लगी रहती है, लेकिन सही है कौन समझाई। हमारी टीवी की ना लाइट भी चली गई है, और मम्मा कह रही है केबल वालों ने खुद ही बंद कर दिया होना, क्योंकि वो भी सही जैसे होने हैं, उनसे भी ना बर्दाश्त नहीं होता होना कि इंडिया हार गई, इसलिए उन्होंने गाइस केबल ही बंद कर दी। वो देख लो सिग्नल आए जा रहे 104 वाला, तो अब केबल भी बंद हो गया, सही भी थोड़ा अब शांत हो गया, क्योंकि मम्मा ने उसको बड़ा ही समझाया। इंडिया हार गया और एज यूजुअली इंग्लैंड गई जीत, सही है आप समझ गए गाइस, है ना, क्योंकि मम्मा समझा दिया उसको। Thank you.
लिटरली मैं रोना निकल रहा है इस टाइम कि सेमीफाइनल में आके इंडिया बाहर. नहीं पर जैसे मैं समझा रही हूँ इसको, इंडिया फिनाले में जाके हार जाते तो तेरे को फिर दुख नहीं होना था? होना था फिर तो फाइनल में तो ये इस बात से तसल्ली कर, संतुष्ट रहे इस बात से कि वो सेमीफाइनल में तो पहुंची है ना, कुछ चार्ट में पहुंचती है. जाओ कुछ खा पी आओ, खा पी आओ जाके. जाओ उसका माइंड डिवर्ट हो जाएगा थोड़ा. जी चले जाओ कुछ खाओ, कोई बर्गर वर्गर कुछ खाओ, उसका थोड़ा माइंड डिवर्ट हो जाएगा. जाना ने उठो. आपको कुछ नहीं होता बेटा, हर एक उनका देश भी देख, उनका खुश होता है जब वो हारते हैं. तब उनके देश में भी तो सबने रोना था ना. फिर क्या हुआ, गेम तो गेम है, कभी कोई जीतेगा कभी कोई जीतेगा. उनको पता है इतनी टीम्स है बेटा, हर कोई किसी ने जीतना है, किसी ने किसी ने हारना है. कल को उन्होंने अगली अपनी टीम्स की तैयारी करनी शुरू कर देनी है. नहीं होता बुखार तुझे, कुछ नहीं होता, इतना नहीं दिमाग में लेते. फिर मैंने तुझे मैच नहीं देखने दिया करना. नहीं वहाँ पे नहीं होता रश, वहाँ पे आराम से चले जाओ. जा चले जा, मेरे बेटे का थोड़ा माइंड डिवर्ट हो जाए, फिर आज करी खा रहे. तो गए तो यार इंडिया तो हार, क्रीम लगी हुई है. तो गए तो यार इंडिया तो हार गया, तो बस फिर मैं अपने दुख को कम करने के लिए जा रहा हूँ डोमिनोज में. क्योंकि गाइस इसका स्ट्रेस बूस्टर है, जब एक खाना खाता है ना तो इसका स्ट्रेस ना कम हो जाता है, तो इसलिए ईटिंग इसका स्ट्रेस बूस्टर आप कह सकते हो गाइस. तो अब हम चलते हैं, ठीक है? ओके बाय मम्मा. क्योंकि अभी तो पिज्जा ऑर्डर किया है गाइस, और अभी हम आ गए JKM रेस्टोरेंट में खाने. डोमिनोज हमने डिले कर दिया क्योंकि गाइस वहाँ पे बहुत ज्यादा रश था और वेटिंग में था वो, है ना, हमारा बहुत लेट नंबर आना था, तो इसलिए हम आ गए अब JKM में खाने. तब हम यहाँ पे खाएंगे, इंजॉय करेंगे और बहुत कुछ खाएंगे गाइस. फाइनली टूट पड़ बस तू हमारा नेक्स्ट ऑर्डर भी गाइज आ गया है, बर्गर और फ्राइज. आप तो मजा, इतने तो यहाँ पे कुछ लगा है, अरे इधर पिज्जा का लगा हुआ है पे, यहाँ पे यहाँ पे. हाँ हो गया हो गया. ये फ्राइज को बर्गर में कैसे खा रहे? बिल भी आ गया, पहले वो एक्सपेरिमेंट हम देख लेते हैं. डालिए अंदर. कितने गंदे तरीके से खा रहे, फ्राइज कौन खाता है बर्गर के बीच में खाकर, बर्गर के बीच में डालकर. टेस्टी है. अब फ्राइज तो खत्म हो गए, जो मैं खा भी नहीं सकती. अब ये एक्सपेरिमेंट मैं तो कर नहीं सकती गाइस, आप जरूर कर सकते हो. बर्गर ही नहीं है, मेरा बर्गर भी नहीं है, फ्राइज भी नहीं है. ये मेरे फेवरेट सॉन्ग था. रेस्टोरेंट खाली हो गया पूरा, और ये सेम क्या कहे जा रहा है सर गाइस, एकदम पूरा रेस्टोरेंट खाली हो चुका हुआ है. तो अब हम चलते हैं. चल क्या हो गया, ठंडा होके बैठ गया. ये सब हमने खा पी लिया और अब हम चलते हैं अपने घर की ओर. रात पड़ गई हम शाम को आएंगे 6 बजे. जगह ही नहीं है तो जाऊंगी इधर.
जीत गया। माँ आपके मुंडे की बेइज्जती बहुत हुई है, मैं तो बाहर आ गई थी, हुआ क्या जो वो वेटर नहीं होते तो ना ये ना टिप दे रहा था उनको, है ना ये उनको टिप दे रहा था, वो बोलते नहीं 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 हमने हमने लेते टिप, ये वापस आ गया वहां से वो बोलते हमने टिप लेते। चले तो गाइस अब तो मैंने अपने कपड़े भी कर लिए चेंज और सही हम चले गए नीचे अपने फ्रेंड के साथ क्रिकेट खेलने। और गाइस अब मेरे को इसी व्लॉग को यहाँ पे एंड करना होगा क्योंकि गाइस अगर मैं ये व्लॉग को एंड करूंगी तभी तो ये व्लॉग आपके तक पहुंचा पाऊंगी, क्योंकि इस व्लॉग की मैंने अभी एडिटिंग भी करूंगी एंड फोन की बैटरी भी बहुत लो हो चुकी हुई है, जस्ट 3% बैटरी है अभी मेरे फोन की। तो अब गाइस मैं व्लॉग एडिटिंग करती हूँ, फिर मैं पढ़ती हूँ, फिर मैं सो जाऊंगी, फिर मैं खाना खाऊंगी, फिर हम मिलेंगे गाइस कल एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, राधे राधे राधे, मतलब श्री हरिवंश गाइस, बाय।